नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। मुरार पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठग को गिरफ्तार किया है, जो बेरोजगार युवकों को मर्चेंट नेवी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर विशेष भेजता था। राजस्थान के रहने वाले युवक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। हालांकि उसके 3 साथी अभी भी फरार हैं। विदेश पहुंचने पर युवकों के पासपोर्ट जब्त कर उनसे मजदूरी करवाई जाती है। राजस्थान भरतपुर के गौरव मीणा ने शिकायत दर्ज कराई कि मुरार थाने के 7 नंबर चौराहे पर सी लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिन सीकर संस्था है। संचालक हदेश सिंह भदौरिया ने उसे मर्चेंट नेवी में नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी की। हदेश सिंह भदौरिया ने उसे ईरान में नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाकर मलेशिया भेज दिया, जहां उसे मजदूरी करवाई जाती थी। गौरव ने बताया कि मुश्किल से वापस आकर उसने ठगों से पैसे मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी मिलने लगी। पुलिस ने हदेश सिंह भदौरिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि इस गिरोह में अजय, नीरज और धर्मेंद्र भी शामिल है। बेरोजगार युवकों को मर्चेंट नेवी की नौकरी का झांसा देकर मॉरिशस, ईरान, इराक, दुबई और सिंगापुर भेजा जाता था, जहां उनके पासपोर्ट जब्त कर मजदूरी करवाई जाती थी। आरोपी 2 साल से इस रैकेट को चला रहे थे और करीब 200 युवक आरोपियों का शिकार हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक पता लगाया जा रहा है कि विदेश में कितने युवक फंसे हैं और उन्हें वापस लाने के लिए उच्च स्तरीय कार्रवाई की जा रही है। ये गौरव मीणा नाम के एक फरियादी सामने आए थे। उनका ये कहना था कि साल भर पहले उन्होंने एक इंस्टीट्यूट जो यहाँ ग्वालियर में, जिसका नाम सी लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन सीकर्स है, वहाँ एडमिशन लिया था। वहाँ उन्हें ट्रेनिंग कराने के नाम पर उनसे फीस ली गई थी, लेकिन बाद में उन्हें लालच दिया गया कि हम आपकी नौकरी भी मर्चेंट नेवी में लगवा देंगे। उसके नाम पर उनसे 1.5 लाख रुपये और लिए गए। बाद में उनका वीज़ा बनवा के उन्हें मलेशिया भेजा गया और वहाँ उनसे मजदूरी करवाई गई। लगभग 1 महीने बड़ी मुश्किल से जब वो लौट के यहाँ पे आए तो उन्होंने हिम्मत जुटा के पुलिस पर कंप्लेंट की है। जब हमने इनके संचालकों को पकड़ा और इनसे बात की तो उनके पास इस तरह का कोई अधिकृत लेटर नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ये जॉब लगवाने के लिए अधिकृत है। ये ठगी सामने आई है। अन्य बच्चे जिन्होंने यहाँ ट्रेनिंग ली है, हम उन सभी से संपर्क कर रहे हैं और इसकी संभावना नज़र आ रही है कि बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ भी उन्होंने संभवतः ठगी की है। तो ये क्या जो मार्शल ने भी देश में नौकरी लगवाने के नाम पर ये लोग बिल्कुल हमने इनके सारे डॉक्यूमेंट सीज कर लिए हैं। तो पिछले 2 साल में जब से ये संस्थान बना है, जितने भी बच्चों ने यहाँ ट्रेनिंग या कोचिंग लिया है, हम एक एक से संपर्क करके बात करेंगे कि किन किन से इन्होंने ठगी की है। अन्य फरियादी सामने आते हैं इनका। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आज के साथ।